नमस्कार बाल दोस्तों, मैं मकवाना धर्मेश भाई जय, शाला नंबर 55 फुलसर से एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की इकाई 5 हिंद देश के निवासी कैव का रसास्वाद प्राप्त करते हैं। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम इस कैव का गान सुनते हैं। Thank you.
देखा बाल दोस्तों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। बाल दोस्तों, इस काव्य के द्वारा कवि हमें एक रहने की, एक साथ रहने की बात बताते हैं। चाहे धर्म, वेश, भाषा, भिन्नता उनमें क्यों ना बटी हुई हो, लेकिन अंततः तो हम सब भारतीय है, एक है। फूल, नदी एवं भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा कवि ने हमें विविधता में एकता का सार बताया है। बाल दोस्तों, इस काव्य में आने वाले शब्दार्थ देखें तो कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी का नाम, टेर पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा और मंजिल यानी कि ध्येय। बाल दोस्तों, इस काव्य के आधार पर हम अभ्यास का आज अभ्यास करेंगे। अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? बाल दोस्तों, हमने आगे काव्य में देखा कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की वेश, भाषा, धर्म आदि होने के बावजूद भी भारत हमें एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई देता है, यही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न दो, सभी नदियाँ कब एक होती है? बाल दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, चाहे उनके उद्गम स्थान क्यों ना भिन्न भिन्न हो, लेकिन जब वे जाके समुद्र में मिल जाती है तब सभी नदियाँ एक हो जाती है। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि हमारा धर्म, हमारी ज्ञाति, हमारी जाति, हमारी वेश, भाषा, चाहे किन प्रकार की भिन्नताओं में बटे हो, लेकिन अंततः तो हम सब भारतीय हैं। सभी धर्मों का सार क्या है? कवि ने बताया है कि चाहे भिन्न भिन्न के धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्मों के बहुत से लोग हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन उन सभी धर्मों का सार एक है, एकता में रहना। इस प्रकार के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बाल दोस्तों, प्रश्न दो, अ शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। बाल दोस्तों, आपके सामने यहाँ बहुत सारी पंखुड़ियाँ दी गई है जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बटे पड़े हैं। आपको इन शब्दों को इकट्ठा करके एक सूत्र में बांधना है, अर्थ सबर वाक्य में प्रयुक्त करना है। जैसे कि हम भारत देश के निवासी है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बाल दोस्तों, इस गोले में बहुत से शब्द बटे पड़े हैं, हमें इन शब्दों को इकट्ठा करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। एक से अधिक वाक्य भी बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में, सोहन पढ़ रहा है, रिनल पढ़ रही है, हरेश खेल रहा है, रिनल खेल रही है आदि वाक्यों का हम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीन में, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। यहाँ पर दो काव्य पंक्तियाँ दी गई है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बाल दोस्तों, हमारे काव्य में बहुत सी बातें बताई गई है, लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि हिंद देश के निवासी, भारत में बसने वाला हर एक व्यक्ति भारतवासी है,
वह चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में क्यों ना बटा हुआ हो, लेकिन अंततः वह मात्र एक भारतीय है। उनके रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे क्यों ना अनेक हो, लेकिन वह सब भारतीय है। प्रश्न चार में औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। बाल दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया गया है जिनमें बार बार औरत और लड़की शब्द का उपयोग किया गया है। हमें उन शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर आदमी और लड़का शब्द का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। यदि हम औरत के स्थान पर आदमी और लड़की के स्थान पर लड़का शब्द रखते हैं तो अर्थ में भी परिवर्तन आ सकता है, वाक्य निर्माण में भी परिवर्तन आ सकता है। तो इसी प्रकार वाक्य के आधार पर कुछ इस प्रकार शब्द बन सकते हैं, जैसे एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था, आदमी को पता चला तो घूमकर बोला कि लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। बाल दोस्तों, इस प्रकार आप उनका अभ्यास करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।